वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के इस वीडियो में हम लोग इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स के फंक्शंस और उनकी कमी के कारण प्लांट्स में होने वाले डिफिशेंसी सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स की कमी के कारण प्लांट्स में होने वाले डिफिशेंसी सिम्टम्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स बिलो विच द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज रिटार्डेड। इसेंशियल मिनरल एलिमेंट का वो कंसंट्रेशन जिसके नीचे कंसंट्रेशन होने पर प्लांट के ग्रोथ में कमी हो जाती है या प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है, उस कंसंट्रेशन को क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहा जाता है। व्हेन मिनरल एलिमेंट्स प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन प्लांट शोज सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन एलिमेंट। दिस इज नोन एज डिफिशियंसी सिम्टम्स। जब प्लांट में किसी भी मिनरल एलिमेंट का कंसंट्रेशन उसके क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम हो जाता है तो उस मिनरल एलिमेंट की डिफिशियंसी के कारण प्लांट में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं। इन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को डिफिशियंसी सिम्टम्स कहा जाता है। प्लांट्स में मेन डिफिशियंसी सिम्टम्स है क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स, यानी लीव्स और बर्ड्स का मैच्योरिटी से पहले गिरना, कर्लिंग एंड ब्राउनिंग ऑफ लीफ एजेस एंड लीफ टिप्स, यानी लीफ एजेस और लीफ टिप्स का मुड़ जाना और ब्राउन दिखाई देना, शॉर्ट रूट्स एंड स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, यानी प्लांट का ग्रोथ रुक जाना। क्लोरोसिस का मीनिंग होता है क्लोरोफिल की कमी के कारण लीव्स का येलो हो जाना, और नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू का डेथ होना। टिश्यू के डेथ के कारण लीव्स और प्लांट के दूसरे पार्ट्स ड्राई हो जाते हैं और ब्राउन या ब्लैक दिखाई देते हैं। रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यहाँ हम लोग प्लांट्स में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रोल्स यानी मिनरल न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन और प्लांट्स में उन न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होने वाले डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन। दिस मैक्रो न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटी। नाइट्रोजन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी प्लांट में नाइट्रोजन की जरूरत लार्ज क्वांटिटी में होती है। इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ NO3, NO2 एंड NH4। प्लांट में नाइट्रोजन मेनली तीन फॉर्म में एब्जॉर्ब्ड होता है, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम आयन के फॉर्म में। नाइट्रोजन इज मेनली रिक्वायर्ड बाय मेस्टमेटिक टिश्यू एंड मेटाबोलिकली एक्टिव सेल्स ऑफ प्लांट। प्लांट में नाइट्रोजन मेनली मेस्टमेटिक टिश्यू और मेटाबोलिकली एक्टिव सेल्स के द्वारा यूज किया जाता है। फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन। इट इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड क्लोरोफिल विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड मेटाबोलिज्म ऑफ प्लांट। प्लांट में नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड यानी DNA और RNA और क्लोरोफिल का मेजर कंस्टिट्यूएंट है। ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और क्लोरोफिल प्लांट के ग्रोथ और मेटाबोलिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन प्लांट के ग्रोथ और मेटाबोलिज्म में हेल्प करता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सम बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्यूराइंस, पायरिमिडिन्स, साइटोक्रोम्स, पॉरफायरिन एक्सेट्रा। प्लांट में नाइट्रोजन कुछ बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्यूराइंस, पायरिमिडिन्स, साइटोक्रोम्स और पॉरफायरिन का इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ कोएंजाइम्स सच एज NAD, NADP, FAD एंड सम विटामिन्स। इसके अलावा नाइट्रोजन प्लांट में कुछ कोएंजाइम्स जैसे NAD, NADP, FAD और कुछ विटामिन्स के स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट के फॉर्म में एक्ट करता है। डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन। लाइट ग्रीन टू येलो कलर लीव्स ड्यू टू रिडक्शन इन क्लोरोफिल कॉन्टेंट इन द लीव्स। क्योंकि नाइट्रोजन क्लोरोफिल का एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, इसलिए जब प्लांट में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है तो प्लांट के लीव्स में क्लोरोफिल का कॉन्टेंट कम हो जाता है, जिसके कारण लीव्स लाइट ग्रीन या येलो कलर का दिखाई देता है। इसे कहते हैं क्लोरोसिस। स्टंटेड एंड स्लो ग्रोथ ड्यू टू रिडक्शन इन प्रोटीन। क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन का भी एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, इसलिए जब प्लांट में
नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है तो प्लांट में प्रोटीन का भी रिडक्शन हो जाता है, जिसके कारण प्लांट का ग्रोथ स्लो हो जाता है या प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है। लेटरल बड्स बिकम डोरमेंट, प्लांट में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के कारण लेटरल बड्स डोरमेंट हो जाता है, यानी लेटरल बड का डेवलपमेंट तब तक रुका रहेगा जब तक प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग आर रिड्यूस्ड, प्लांट में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के कारण फ्लावरिंग और फ्रूटिंग यानी फूल और फल का प्रोडक्शन भी रुक जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लांट्स में फॉस्फोरस और पोटेशियम के फंक्शन और डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।